और वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल. दिस इज मी पिंकुश कुदारा एंड आई होप एवरीवन इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल. सो आज का थंबनेल, टाइटल और मेरा अवतार देखे यू गाइज नो कि आज का वीडियो कितना ज्यादा एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है. बिकॉज आज की वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं मीशो से विंटर वेयर्स हॉल वीडियो गाइज. और वहां पे जो डिजाइन देख के मेरे को ऐसे चुल मची ना कि फटाफट मुझे ये स्वेटर्स मंगानी है और आप लोगों के साथ शेयर करनी है. बिकॉज इतने टाइम से आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दी मीशो से विंटर वेयर्स ट्राई करो. तो है आई एम गाइज. आज की वीडियो में हम करीबन 15 टू 16 विंटर वेयर ट्राई करने वाले हैं. लेकिन उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, बिकॉज मैं इसी तरीके की बड़ी ही प्यारी प्यारी हॉल वीडियोस लेके आती रहती हूँ. सेकंड पॉइंट, आप मेरे वीडियोस को लाइक करना भी मत भूलना और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलना. बिकॉज कमेंट्स में हम खूब सारी बातें करते हैं. जो भी आपको सवाल, जो आप कुछ पूछना है, कुछ बताना है या कुछ कहना है, जस्ट ड्रॉप अ कॉमेंट और मैं हाथों हाथ आपके कॉमेंट का रिप्लाई भी दूंगी. सो गाइज, फॉर टूडेज वीडियो आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड और बिना देरी किए हम करते हैं वीडियो को शुरू. तो वीडियो को शुरू करने से पहले गाइज, बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आप अपने पीरियड्स का स्पेशल टेक केयर कैसे करते हो. तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो घरेलू नुस्खे, लेकिन उसके लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि करेक्ट पैड यूज करना. वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इस टाइम पे रैशेस होने के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस होते हैं. एंड मैं यूज करती हूँ माय फेवरेट एवरटीन पीरियड केयर सैनिटरी पैड्स. ये पैड्स मेरी लाइफ चेंज कर देने वाले पैड्स है बिकॉज इनके साथ मैं इतनी ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ. मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई इरिटेशन, कोई रैशेस, कुछ भी नहीं होता है. क्योंकि इन पैड्स के होते हुए आपको चिंता की तो बिल्कुल भी बात नहीं है. बिकॉज दीज सैनिटरी पैड्स विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम रैशेस ड्यूरिंग पीरियड्स. एवरटीन पीरियड केयर आर एनरिच्ड विद द नीम एंड सेफलर टू गिव यू मैक्सिमम कंफर्ट लेवल एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट योर इंटीमेट स्किन एरिया फ्रॉम रैशेज एंड टैनिंग. इट नरिशेज द स्किन विद अ वाइटमिन ई एंड हैज एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज एज वेल दैट हेल्प कीप योर इंटीमेट स्किन हेल्दी एंड फ्रेश. वेल, आई एम यूजिंग एवरटीन पीरियड केयर पैड्स एंड आई एम हैप्पी. यू गाइज ऑल्सो शुड ट्राई दीज पैड्स फॉर योर इंटीमेट एरिया. इट्स 8 लेयर प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा लार्ज पैड्स, ऑर्डर लॉकिंग जेल कोर सिस्टम एंड एडवांस्ड लीक प्रोटेक्शन कम टूगेदर टू गिव यू द कॉन्फिडेंस टू लिव लाइफ फुल्ली इवन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. सो प्रोडक्ट लिंक इज एडेड इन डिस्क्रिप्शन गाइज, गो एंड ट्राई दिस वन. सो इन पैड्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इन्हें भी परचेज करना मत भूलना बिकॉज आई एम डैम श्योर इन्हें यूज करने के बाद आपके पीरियड्स हो जाएंगे बेहद आसान. तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू स्वेटर नंबर 1 से, जो कि मेरी फेवरेट स्वेटर है. ये मैंने लिया है ये टेडी बेयर स्टाइल वाले फैब्रिक के अंदर जो स्वेटर्स आती है ना, ओ माय गॉड आई लव दिस स्वेटर. लेकिन इसके अंदर ये पॉइंट है, पिक्चर में पैक ऑफ 2 दिखा रखा था पिक्चर में. आई एम नॉट सो श्योर कि वहां पे ये आना ही पैक ऑफ 2 था या नहीं, बट मेरे को ऐसे माइंड में था कि पैक ऑफ 2 आएगा, बट मुझे ये एक ही रिसीव हुआ है. लेकिन इसका क्वालिटी इतना ज्यादा अमेजिंग मिला है ना मुझे, तो मैं बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हूँ. एंड काफी ज्यादा मोटा सा स्टफ आया है इसका. दिस जैकेट इज अ क्रॉप जैकेट, मतलब फुल्ली ऐसे लॉन्ग जैकेट नहीं है, बट बहुत ही ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन प्यारा लगा, ग्रे एंड व्हाइट एंड फुल्ली ये टेडी बेयर फर वाले फैब्रिक के अंदर है. इट्स सो सॉफ्ट और इतना वार्म रखता है आपको, मतलब हवा तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है इसे पहन के. एंड दिस फैब्रिक इज सुपर लाइट वेट, सुपर सॉफ्ट एंड सुपर कंफर्टेबल. इस जैकेट के अंदर मैंने अपना साइज जो लिया है लार्ज, लेकिन ये इतना ज्यादा लार्ज मुझे आया नहीं है बिकॉज मैं शॉर्ट थी. कि मीशो का जो साइज होता है ना कपड़ों का, वो एक साइज आपका जो रेगुलर साइज होता है ना, उससे बड़ा ही लेना चाहिए बिकॉज वो छोटे ही होते हैं उनके साइज. तो मैंने लार्ज लिया है एंड फिटिंग आपके सामने है, मुझे एकदम से फिट आया है. इस जैकेट के अंदर आपको खूब सारे कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, तो आप दूसरे कलर्स भी चेकआउट कर सकते हो. तो इसके लिए मेरी तरफ से एक बड़ा सा अप्रूवल है, आप इस जैकेट के साथ डेफिनेटली जा सकते हो बिकॉज बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लग रही है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी लग रही है एंड काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है. सो प्रोडक्ट लिंक इज एडेड इन डिस्क्रिप्शन, तो इसे आप चेकआउट कर सकते हो. एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्वेटर नंबर 2. स्वेटर नंबर 2 हमने लिया है ये हुडी, जो कि मैंने बेज कलर में लिया है बिकॉज मुझे ये कलर और इसका डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा लगा था. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द प्रिंट गाइज, इज सो क्यूट. बहुत ही छोटू सा प्रिंट है एंड ये फैब्रिक के अंदर ही है, इसके ऊपर अलग से कुछ भी नहीं चिपकाया हुआ है, तो फैब्रिक के अंदर ही ये ऐसा पेंटेड हुआ हुआ है. तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा परफेक्टली मैच हो रहा है, मतलब बेज कलर एंड एवोकाडो में ग्रीन कलर और ब्राउन कलर, मतलब आई लव दिस कलर और आई लव दिस पैटर्न. इस हुडी के अंदर भी मैंने जो अपना साइज लिया वो लार्ज ही लिया, फिटिंग मुझे एक्स्ट्रा लार्ज या ओवर साइज जैसा नहीं आया, एकदम फिटेड जैसा आया, मतलब ऐसा लग रहा है ये मेरा रेगुलर साइज है, बट इट्स नॉट ट्रू. माय रेगुलर साइज इज मीडियम. तो अगर आपका जो भी रेगुलर साइज हो उससे एक साइज अप ही लेना, तभी आपको साइज एकदम फिट आएगा. और अगर आपको ओवर साइज लुक में चाहिए तो आप 2 या 3 साइज अप लोगे तब आपको ओवर साइज वाला पैटर्न फिट आएगा.
इस हुडी के अंदर बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है और बहुत सारे अलग अलग प्रिंट्स भी अवेलेबल है। तो बट मैंने ये कलर लिया बिकॉज बेज कलर बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी होता है, बहुत ही बेसिक सा कलर होता है। तो आप इसके साथ डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो बिकॉज इसका जो क्वालिटी है इट्स सो गुड गाइज। मतलब ऐसे लगेगा कि कोई ब्रांडेड का हुडी है बिकॉज इसका क्वालिटी इतना अच्छा है। सभी के प्राइजेस आपको स्क्रीन पे मेंशन होते रहेंगे किसका क्या प्राइजेस है। इसके अंदर खूब सारे कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है और इस हुडी के लिए भी मेरी तरफ से एक बड़ी सी हाँ है बिकॉज मुझे ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगा एंड काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी में लगा। मतलब वैसे लग नहीं रहा कि मीशो का प्रोडक्ट है, बहुत ही ऐसे ब्रांडेड सा आइटम लग रहा है एंड इसका फैब्रिक बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सो या गाइस हाईली रिकमेंडिंग दिस वन एंड प्रोडक्ट लिंक इज एडेड इन डिस्क्रिप्शन। इन एडिशन गाइज आप लोग बोलते रहते हो कि एक ही लिंक मेंशन कर दिया करो जिसके अंदर आपको सारे प्रोडक्ट दिख जाए, तो आपको टॉप पे जो पोस्ट का लिंक मेंशन होगा ना उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो मेंशन हो जाएंगे। एंड लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट नंबर 3। प्रोडक्ट नंबर 3 फिर से हमने ये हुडी लिया है एंड ये डिजाइन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मतलब आजकल काफी ऐसे ट्रेंड बनते हैं ना हार्ट का कि थोड़ा सा आपको प्यार शो करना है तो जस्ट गिव दिस वन। एंड ये स्वेटर मेरे को प्रिंट मैंने इसीलिए अच्छा लगा मेरे को, मतलब ऐसे लगा कि ठीक है थोड़ा सा ऐसे पॉजिटिव और थोड़ा सा प्यारा है। एंड ये मैंने नेवी ब्लू कलर में लिया है एंड इसका फैब्रिक ओ माई गॉड इट्स सो सॉफ्ट। मतलब ऐसे लग रहा है कि कॉटन का फैब्रिक है और अंदर से ये वुलन वाला फैब्रिक भी है। मतलब बहुत ही थिन है बट बहुत ही वॉर्म भी रखता है ये कपड़ा आपको। तो इसका फैब्रिक क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड मंगाया तो मैंने इसे प्रिंट के लिए था बट मैं इम्प्रेस हो गई हूँ इसके फैब्रिक की क्वालिटी से बिकॉज ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही सुंदर है, तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इस स्वेटर के अंदर भी ढेरों कलर ऑप्शन अवेलेबल। मतलब मीशो की ना बेस्ट बात यही है कि वहां पे आपको जितने मर्जी आप कलर्स चाहो ना आप उतने कलर्स ट्राई कर सकते हो। तो मैंने नेवी ब्लू कलर लिया, मैंने कोशिश किया कि मैं हर एक कलर ऑप्शन उठा लूं। जब भी मैं कोशिश करती हूँ ना कि मतलब 15 आइटम्स ले रही हूँ तो उसमें कुछ ऐसा नहीं हो जो छूट जाए, हम सारी ही चीजें पिक कर ले तो आज आपको खूब सारे कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको नेवी ब्लू नहीं पसंद आता आप दूसरे अपनी पसंदीदा कोई भी कलर ट्राई कर सकते हो। लाइट शेड्स भी अवेलेबल है, डार्क शेड्स भी अवेलेबल है। साइज इसके अंदर भी मैंने लार्ज लिया है लेकिन मेरा एक्चुअल साइज जैसा लुक ही आया है। हालांकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ओवर साइज जैसा लुक आएगा बट वैसा नहीं हुआ। एनीवेज क्वालिटी और फैब्रिक देखते हुए आई एम सुपर सुपर इम्प्रेस्ड विद दिस प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमने ट्राई किया है वो मैंने जैकेट भी लिया है एंड दिस जैकेट ओ माई गॉड इट्स सो प्रिटी, सो लवली एंड सो क्यूट गाइज। ये आपको ऐसे टेडी वेयर वाली जैकेट मिल रही है एंड आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस जैकेट लुक। ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा एंड ये फैब्रिक जो है ना फर वाला फैब्रिक पर्सनली मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे को ऐसी क्यूट वाइब आती है इसके अंदर एंड काफी सॉफ्ट होता है तो बार बार इसको पहनने का मन करता है। एंड इस जैकेट के अंदर भी आपको काफी सारे कलर्स मिल जाएंगे। मैंने ब्लैक कलर लिया बिकॉज मेरे को बेसिक ब्लैक कलर चाहिए था कि जब चाहूँ जिस आउटफिट के साथ चाहूँ मैं तब इसे कैरी कर सकूँ, सिर्फ इस रीजन से। अगर आपको कोई और कलर पसंद है व्हाइट ब्लू रेड सारे कलर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। एंड लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिटी। इस जैकेट का भी जो क्वालिटी है ना गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मतलब ये बहुत ही सॉफ्ट है, ऐसे लग रहा है आपने किसी टेडी बियर को ही पकड़ रखा। मतलब इतना लाइट है, इतना सॉफ्ट है और इसका फैब्रिक भी बहुत ज्यादा अच्छा है। एक ही चीज मुझे इसके अच्छी नहीं लगी, इसका जो इनर का मटेरियल है ना वो ओकेश मटेरियल इसके अंदर एड किया हुआ है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्लीव्स के एंड पे यहाँ पे थोड़ा सा आपका हाथ में टाइट रहता है, तो अगर आप एक साइज बढ़ा लेंगे या दो साइज बढ़ा लेंगे ना तब आपको एकदम फिट आएगा। मैंने अपना रेगुलर मीडियम साइज मंगाया था इसके अंदर तो मेरे को ये थोड़े से कफ्स टाइट पड़ रहे हैं, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। लेकिन एक या दो साइज आपके साथ एंड क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बहुत ही ज्यादा अच्छा सा मुझे लग रहा है ये फर वाला फैब्रिक। सो अगेन गाइज हाईली रिकमेंडिंग दिस वन। इन एडिशन अगर आपको ये जैकेट आपके लिए नहीं चाहिए ना तो आप अपने घर में कोई भी किड्स हैं उनके लिए ले सकते हो, एंड आई एम श्योर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे बिकॉज कुछ इस तरीके की क्यूट कैप वाले कपड़े उनको और क्या चाहिए होता है, उनको यही चाहिए होता है कि कुछ टेडी वेयर कार्टून जैसा लुक वो अवतार खुद ही क्रिएट कर ले और खुद ही बन जाए। तो ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे, तो आप इसे चेकआउट डेफिनेटली कर सकते हो। प्रोडक्ट लिंक आपको नीचे मेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट जैसा कि मैंने बताया आज इस वीडियो में हम सारे ही कलर्स ट्राई करने वाले हैं बिकॉज मीशो पे ओ माय गॉड आई वाज लाइक वाओ क्या क्या नहीं मिल रहा है यार। आजकल मीशो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव होता जा रहा है। पहले बहुत बार ऐसे होता था कि मीशो पे क्वालिटी अच्छी नहीं आती थी, बहुत बार रॉन्ग प्रोडक्ट्स आ जाते थे, लेकिन आजकल जितने हम प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं अगर उनके पास रॉन्ग नहीं भेजते हैं वो, मतलब कैंसिल डेफिनेटली कर देंगे अगर उनके पास नहीं होगा आफ्टर 5 to 6 days।
बट रॉन्ग प्रोडक्ट मेरे पास अभी तक नहीं आया। मैं करीबन 200 प्रोडक्ट्स मीशो से परचेज कर चुकी हूँ और मेरे पास एक भी सिंगल प्रोडक्ट मेरे पास रॉन्ग प्रोडक्ट नहीं आया। तो आई लव मीशो, मतलब अभी मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, बहुत ही प्राउडली कह सकती हूँ कि आई लव मीशो। मुझे मीशो से शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट, मैंने ये स्वेट शर्ट लिया है, इट्स इन ए वेरी प्रिटी ग्रीन कलर, पिस्ता ग्रीन कलर, एंड आई लव दिस शेड। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को सारी ही शेड्स अच्छी लगती है पहली बात तो, बट कुछ ऐसी ऐसी शेड्स होती है ना जिन्हें ट्राई करने का मन करता है, बिकॉज ये बहुत ही रेयरली मिलती है, हर जगह पे इस तरीके की शेड्स अवेलेबल नहीं होती है। तो जैसे मैंने इसे देखा, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, एंड दिस स्वेटशर्ट इज इन एक्स्ट्रा लार्ज साइज और ये मुझे ओवरसाइज जैसा फिट भी हो गया। मतलब इसका जो आपका स्टैंडर्ड साइज है, रेगुलर साइज है, उससे एकदम मिलता जुलता साइज है। तो आप मीडियम लोगे तो आपको एकदम फिट आएगा आपका रेगुलर साइज है, अगर आप लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज लोगे तो थोड़ा सा लूज आएगा। एंड आई एम सुपर सुपर हैप्पी विद दिस परचेज गाइस, और सुपर इंप्रेस्ड विद द क्वालिटी, डिजाइन एंड फैब्रिक। इसका फैब्रिक इतना ज्यादा लाइट वेट है और बहुत ही ऐसे प्रीमियम सी क्वालिटी है, और इनर का भी जो फैब्रिक है वुलन वाला बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही थिन है, एंड बहुत ही वार्म भी रखता है आपको। तो इस स्वेटशर्ट के अंदर भी आपको खूब सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, खूब सारे अलग अलग पैटर्न्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब ये जो लिखा हुआ है ये आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में मिल जाएगा इजीली। तो आप चेकआउट कर सकते हो, हाईली हाईली रिकमेंडिंग दिस वन। और इनके प्राइसेस इतने ज्यादा अफोर्डेबल है ना, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था मीशो पे इतने कम डील्स पे आपको इतने अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है। सो विंटर वेयर्स का अगर आपको कलेक्शन बनाना है ना, आई डैम श्योर आप मीशो के प्रोडक्ट्स को पसंद करोगे और आप उन्हें चेकआउट डेफिनेटली कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमने लिया है पिंकुश कुदारा के हॉल में, लेवेंडर कलर, तो हम ट्राई करेंगे। ये तो बहुत ही ऑब्वियस हो गया है। एंड गाइस, इस बार ना मेरे को ऐसी नहीं था कि मुझे लेवेंडर कलर ट्राई करने का, बट ये कलर इतना ज्यादा ट्रेंडी है, जब भी आप कुछ भी चीज सर्च करोगे तो हर एक चीज में ये कलर अवेलेबल है। तो ये मेरे सामने आई एंड ये स्वेटशर्ट मुझे बेहद पसंद आई। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द प्रिंट गाइस, इट्स सो प्रिटी एंड सो क्यूट। इसका कलर भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इट्स अ प्रिटी लेवेंडर शेड एंड आई लव दिस शेड। तो इसका जो साइज है वो लार्ज साइज लिया है, फिटिंग इसकी मुझे एकदम लूज लूज आई है, मतलब एकदम फुल्ली फिटेड नहीं आया, एंड थैंक गॉड। अदरवाइज मैं इस स्वेटशर्ट को चेंज कराती, बिकॉज इस तरीके की हुडीज जो है ना वो मुझे एक्स्ट्रा लार्ज या ओवर साइज में ही कंफर्टेबल लगती है, अदरवाइज मुझे यहाँ से घुटन होती है और कंफर्टेबल फील नहीं होता है। सो आई लव दिस स्वेटशर्ट एंड इसके अंदर खूब सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और मीशो की ये बात तो मेरे को इतनी अच्छी लगती है, हर एक डिजाइन के अंदर उनके पास 10-10 कलर्स अवेलेबल है। मतलब प्रीमियम गाइस, बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है ये, बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी है। एंड द बेस्ट पार्ट, आजकल तो उनके प्रोडक्ट्स की डिलीवरी भी बहुत ही ज्यादा फास्ट होने लगी है, मतलब विद इन 3-4 days मेरे को मेरे प्रोडक्ट्स जो है वो डिलीवर्ड हो जाते हैं मेरे घर पे, एंड आई लव दिस स्वेटशर्ट गाइस। तो इसे भी चेकआउट कर लेना अगर आपको अच्छी लग रही है। तो नेक्स्ट, आई फाउंड माई फेवरेट कलर और बहुत ही क्यूट फॉर्मेट में। ये स्वेटर बहुत ही ज्यादा क्यूट है। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द प्रिंट गाइस, इट्स इन ए टेडी बियर वाले प्रिंट के अंदर, एंड आई लव दिस स्वेटर। मेरे को रेड कलर, आप लोगों को पता है मैं अपने पिछले इतने हॉल्स में बता चुकी हूँ कि मुझे रेड कलर से कितनी ज्यादा मोहब्बत है, तो रेड कलर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा तो लगता है एंड काफी ज्यादा प्यारा भी लगता है। सो मैंने ये रेड कलर में स्वेटर ट्राई किया और मेरे को चाहिए भी था, बिकॉज मेरे पास ना रेड कलर के स्वेटर्स हैं बट बहुत ही लिमिटेड, एक या दो ही है, और घर में पहनने के लिए ना मेरे को थोड़ा सा क्लासी आउटफिट नहीं चाहिए। मेरी थोड़ी सी चॉइस है कि मैं क्यूट बन के रहूं और क्यूट क्यूट कपड़े पहनो, तो मेरे को लगा ये स्वेटशर्ट इससे ज्यादा बेटर मेरे को नहीं लगता कोई भी क्यूट ऑप्शन के अंदर मेरे को मिलेगा। सो आई पिक दिस वन एंड आई लव द क्वालिटी गाइस। मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैंने ये प्रोडक्ट ना मिंत्रा के किसी अच्छे खासी ब्रांड लाइक ड्रेस पेरी, टोक्यो टॉकीज, मस्टन हार्बर, उन ब्रांड्स की स्वेटर्स ट्राई किया है। इतना ज्यादा प्रीमियम सा क्वालिटी इसका है एंड प्राइस आपके सामने है गाइस, इतना ज्यादा कम रेट पे मिल रहा है और कहीं नहीं मिलेगा, ना अमेजोन पे, ना फ्लिपकार्ट पे, ना मिंत्रा पे, सिर्फ मीशो पे ही इतना सस्ता प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो अगेन आई लव दिस स्वेटर। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे कलर्स मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग प्रिंट्स में मिलेंगे, जैसे कि टेडी बेयर है तो इसके अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते जाएंगे, अलग अलग वेराइटीज मिलती जाएगी। तो जो आपको अच्छा लग रहा है वो वाला कलर ऑप्शन पिक कर सकते हो। एंड साइज इसके अंदर मैंने लिया है लार्ज, फिटिंग इज एब्सोल्युटली फिट, मतलब ना फुल फिटेड है ना फुल ओवर साइज है, एकदम परफेक्ट वाला जो मैच आता है ना वो है, जो को मीडियम रेगुलर में आता है वो लार्ज में आया। तो इसके अंदर भी आपको आपके एक साइज आपके साथ ही जाना है, तभी आपको एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। सो प्रोडक्ट लिंक इज एडेड इन डिस्क्रिप्शन एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करने से पहले गाइस, आप लोग इस स्वेटर का लिंक भी जानने की कोशिश कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि पिंकुश ये वाला स्वेटर कहां से लिया है, तो मैं आपको बता दूं ये वाला स्वेटर मैंने मिंत्रा से परचेज किया है। अगर आपको इसका लिंक भी चाहिए तो आप वो लिंक भी ट्राई कर सकते हो, और वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप चेकआउट करना मत भूलना। ये भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, और इसके अंदर मैंने अपना जो साइज लिया है वो एक्स्ट्रा लार्ज लिया है, बिकॉज मेरे को फुल्ली ओवर साइज वाला लुक चाहिए था। सो आई पिक दिस वन एंड आई लव इट।
एंड नेक्स्ट जो स्वेटर हमने लिया है अगेन इट्स अ बेज कलर बिकॉज आई लव दिस कलर. मेरे को बेज कलर से ना पर्सनली ऐसे अच्छा लगता है तो मैंने ये कलर ले लिया एंड आई एम सुपर सुपर हैप्पी विद दिस परचेज गाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द प्रिंट. इस प्रिंट से बहुत ही क्लासी लुक आता है, क्यूट लुक नहीं आता, क्लासी लुक आता है. बिकॉज आजकल जो भी आप पिंटरेस्ट पे वेटर वेयर आउटफिट्स का लुक देखोगे तो हमेशा कुछ इसी तरीके की हुडीज पहने हुए वो क्लासी क्लासी लेडीज की पिक्चर्स आ जाती है. किसी सेलिब्रिटीज को देखोगे, किसी बड़े यूट्यूबर्स को देखोगे, इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे, सबके पास ये पैटर्न अवेलेबल होगा बिकॉज इट्स सो ट्रेंडी और बहुत ही ज्यादा कैजुअल लगता है, बहुत ज्यादा क्लासी लगता है, बहुत ही रिच सी वाइब देता है. एंड दिस कलर इज द परफेक्ट मैच गाइज. आप इसे ट्राउजर्स के साथ कैरी कर सकते हो, आप इसे शॉर्ट्स के साथ भी कैरी कर सकते हो, घर में पहनो बाहर पहनो, मतलब ये आपका इंस्टेंट आपको लास्ट मिनट पे कोई भी आउटफिट पिक करना होना और आपके पास टाइम नहीं हो उस टाइम के लिए ये स्वेटशर्ट एकदम परफेक्ट ऑप्शन होता है. मतलब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है और आपका लुक इतना ज्यादा परफेक्ट लगता है. सो गाइज ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी. ये पैटर्न मेरे को खूब सारे चाहिए थे बिकॉज आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है, इसलिए मेरे को ऐसे लगा कि इस डिजाइन के अंदर, इस पैटर्न के अंदर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हो. और मीशो पे ये चीज आप पॉसिबल भी कर सकते हो. अगर आप मिंत्रा या किसी बड़ी ब्रांड की दिखोगे ना तो आपको 1000 रुपीज से ऊपर ऊपर ही मिलेगा ये पैटर्न. बट मीशो पे मुझे सिर्फ करीबन 300-500 की रेंज में इतनी प्यारी प्यारी स्वेटर्स मिल रहे हैं ना एंड आई एम सो सो हैप्पी विद दिस परचेज गाइज. सो प्रोडक्ट लिंक आपको इसका नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है. इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, सुंदर है. So loved it. And next जो प्रोडक्ट हमने परचेज किया, मैंने लिया तो मेरे फेवरेट कलर पिंक में था और मेरे को इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी बट आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट क्योंकि ये ना मेरे को फिटिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आई, बहुत ही ज्यादा टाइट सा फिट आ गया है. लुक इसका काफी ज्यादा अच्छा है, इसके अंदर मैंने साइज लार्ज लिया था, उसके बाद भी मेरे को बहुत ज्यादा टाइट आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि मतलब वो ओवर साइज वाला लुक मुझे इसके अंदर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा. आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस. एंड इसका कलर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था, इट्स इन अ बेबी पिंक कलर और इसके स्लीव्स तो ओ माय गॉड ये तो बहुत ही ज्यादा टाइट थे. मतलब मैंने इसे लिटरली फंसाया है और सत्य टाइम मुझे ऐसा लगा कि क्या ये एक बेबी के हाथ के हिसाब से इसे स्लीव्स को बनाया गया है. तो ये चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी एंड क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. काफी अच्छा फैब्रिक है, काफी वॉर्म भी है और काफी थिन भी है, मतलब हैवी भी नहीं है, ये चीज अच्छी है. बट मेजर प्रॉब्लम साइज है और वो बिल्कुल भी ऐसे एडजस्टेबल साइज नहीं है कि आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, वो भी प्रॉब्लम इसके साथ, मतलब वो भी आप नहीं कर सकते हो इसके साथ. तो इस डिजाइन के अंदर अगर आपका साइज एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल आता है तब आप इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हो. बट मेरे जैसे अगर आपका रेगुलर साइज मीडियम या लार्ज आता है तो आप इसके साथ मत जाना, फिर ये आपको फिट नहीं होगी. इसके अंदर खूब सारे कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है, प्लस इसके साथ आपको ये कैप भी मिल रही है. तो मेरे को इस तरीके की हुडीज अच्छी तो बहुत लगती है एंड ये क्रॉप हुडी है तो ये भी चीज आप ध्यान में रखना. थोड़ी सी अगर किसी को क्रॉप लेंस से प्रॉब्लम हो तो ये क्रॉप है और क्रॉप का ही लुक आएगा तो आप उसे चेकआउट उस अकॉर्डिंग कर सकते हो. एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्वेटर जो कि हमने लिया है रस्ट ऑरेंज कलर में. जैसा कि मैंने बताया आज मैं आपको ना ऐसा कोई कलर नहीं छोड़ने वाली हूँ कि जो हमने ट्राई नहीं किया है. तो ये रस्ट ऑरेंज कलर भी हमने ट्राई किया है एंड लुक एट द प्रिंट गाइस, सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल एंड आई लव दिस शेड. मतलब ऐसे एक कच्ची ईंट नहीं होती है, सेम प्रॉपर वैसा कलर है और ये कलर मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है. एंड ये प्रिंट, इस प्रिंट की वजह से मैंने इस स्वेटर को परचेज किया एंड आई एम सुपर सुपर हैप्पी विद दिस परचेज गाइज. तो ये ना यूनिसेक्स स्वेटर है, आप लड़की हो लड़का हो आप इसे स्टाइल कर सकते हो, कैरी कर सकते हो. आपके घर में किड्स हैं जिनकी एज करीबन 14-15-13 इयर्स है वो भी इसे स्टाइल कर सकते हैं. काफी ज्यादा स्मार्ट लुक आएगा, काफी ज्यादा क्यूट लुक आएगा तो नो प्रॉब्लम. एंड गाइस इसके फैब्रिक की बात करें तो काफी ज्यादा सॉफ्ट सा फैब्रिक है एंड फैब्रिक के साथ तो आई एम सो इम्प्रेस्ड विद मीशो. मतलब हर एक स्वेटर की जो क्वालिटी है ना बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी उन्होंने मुझे भेजी, मतलब कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ क्वालिटी के साथ. सो इसके अंदर भी खूब सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है. अगर आपको क्यूट लुक चाहिए, कुछ और ऐसे ट्रेंडी ट्रेंडी स्वेटर्स ट्राई करनी है तो आप कर सकते हो और अपने पसंदीदा कलर में कर सकते हो. बट मैं बोलूंगी आप एक बार इस कलर को जरूर ट्राई करना बिकॉज ये कलर मुझे ऐसा लगता है कि हर एक स्किन टोन पे मैच होता है और बहुत ही डिफरेंट लगता है, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लुक आता है. सो हाईली रिकमेंडिंग दिस वन गाइज. प्रोडक्ट लिंक इज एडेड इन डिस्क्रिप्शन. माय साइज इज लार्ज. And this is my most favorite sweatshirt. मुझे नहीं पता मैं इस sweatshirt को आपको last में क्यों दिखा रही हूँ but I love this so much. मेरे को ना इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा. इस स्वेटशर्ट के अंदर भी मैंने अपना साइज लार्ज लिया एंड लकीली इस स्वेटर को हम ओवर साइज स्वेटर कह सकते हैं बिकॉज ये काफी ज्यादा बड़ी आई है एंड आई एम सो सो सैटिस्फाइड विद दिस परचेज. मतलब मेरे को
एकदम ऐसे प्यार हो गया इस वजह से. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द प्रिंट एंड कलर गाइस, इट्स सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ज्यादा परफेक्ट सा फैब्रिक भी है इसका. काफी ज्यादा भारी भरकम सर्दियां नहीं होती, उनसे भी आपको प्रोटेक्ट कर लेगा ये. इतना अच्छा मटेरियल आया विंटर्स वाला, इतना वार्म रखता है आपको और इतना ज्यादा सॉफ्ट है, आपको बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होने वाली है. बहुत बार ऐसा भी होता है कि हैवी विंटर वेयर पहनने से ना आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो. This is so pretty guys. आप ना मतलब मैं श्योर हूँ आप इसे उतारने नहीं वाले, मुझे इतनी ज्यादा प्यारी लगी है एंड इसका लुक भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा. सो अगेन हाईली हाईली रिकमेंडिंग दिस वन. इस स्वेटशर्ट के अंदर भी ढेरों सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो जो आपको पसंद है आप वो ट्राई कर सकते हो. आई पिक दिस नेवी ब्लू कलर बिकॉज मेरे को ब्लैक और नेवी ब्लू का मिक्सचर सा ही ज्यादा अच्छा लगा. बिकॉज मुझे ऐसे लगा कि ये जो रेनबो वाला प्रिंट है ना ये इसी कलर पे ज्यादा खिलेगा, बट आप ये भी ले सकते हो, ये तो है ही पसंद, एकदम परफेक्ट मैच. लेकिन अगर आपको ये कलर नहीं अच्छा लगता तो दूसरे भी ट्राई कर लेना, मैं लिंक्स नीचे दूसरे भी मेंशन कर दूंगी. इन एडिशन गाइस मैं कुछ और अपने वेस्टलेस से प्रोडक्ट्स भी ऐड कर दूंगी, तो आप वो भी चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो, बिकॉज वो प्रोडक्ट्स मैं मंगा नहीं पाई. अगली वीडियो में जरूर मंगाऊंगी, बट अगर आपको वेट नहीं करना है और जल्दी चाहिए तो आपके लिए मैं पहले ही ऐड कर दूंगी. एंड लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस हॉल. इट्स अगेन इन अ लेवेंडर कलर बट द डिजाइन इज कम्प्लीटली डिफरेंट. ये है सिंपल स्वेटशर्ट, मतलब कोई भी प्रिंट नहीं है, कोई भी हुडी नहीं है, इट्स अ सिंपल स्वेटशर्ट. बहुत ही कैजुअल और बहुत ही स्मार्ट सा लुक आता है. फैब्रिक क्वालिटी इज वेरी प्रीमियम, वेरी सॉफ्ट एंड सुपर कंफर्टेबल, सुपर लाइट वेट एज वेल. ढेरों सारे कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है, काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है. मैंने लार्ज साइज लिया है, फिटिंग इज एब्सोल्यूट फिर. सो अगेन हाईली रिकमेंडिंग दिस वन. तो ये था हमारा आज का मीशो हॉल वीडियो, और ये हॉल ना मतलब बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड था, और आपके व्यू से मुझे लगना चाहिए कि ये हॉल रिक्वेस्टेड था, बिकॉज कमेंट्स तो बहुत करे और मुझे नहीं पता आप लोग कैसा रिस्पांस दोगे. तो कमेंट करना मत भूलना गाइस, प्लीज मैं वेट कर रही हूँ. और मुझे सच में मतलब आपके कमेंट्स से ना मेरा दिन बन जाता है. सो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है. अगर आपको लिंक से रिलेटेड कुछ भी इशू आए डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं हाथों हाथ आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई देने वाली हूँ, आई प्रॉमिस. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टिल देन बाय.